शेर एक कायद की किस्मत बदलने का बेड़ा उठाया और सबको हैरान कर दिया। शर्जील इनाम मेमन ऐसा क्या कर रहे हैं जो सब हैरान हैं, आइए जानते हैं। शेर कायद में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस की आजमाइशी सर्विस शुरू हो गई है। इलेक्ट्रिक बस सिंध आर्काइव कॉम्प्लेक्स से सीव्यू तक चलाई गई। ये बसें 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखती हैं। ये मंसूबा पीपल्स बस सर्विस के फेज टू के तहत चलाया जा रहा है। आजमाइशी बस सर्विस के दौरान वजीर इत्तला'आत ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन और दीगर ने सफ़र किया और बसों में सहूलियात का जायज़ा भी लिया। शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीपल्स बस सर्विस के दूसरे फेज़ का आगाज़ हो गया। ये माहौल दोस्त बसों की टेस्ट ड्राइव थी। 10 रोज़ के बाद बाकायदा बस सर्विस का आगाज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये यूरोपियन मयार की बसें हैं जिनकी लंबाई 12 मीटर है। कोशिश है जहाँ ट्रैफिक कम हो वहाँ ये बसें चलाई जाएँ, जिसके लिए सर्वे भी जारी है। जल्द रूट्स का भी तयन हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिस कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो शमसी तवानाई के सेंटर्स बनाएगी जिससे ये बसें चार्ज की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर 50 इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं। कोशिश है कि कराची में इलेक्ट्रिक बसों का मैन्युफैक्चर प्लांट लगाएं, जिसके लिए चीन, यूरोप और मकामी कंपनियों से मुज़ाकरात भी जारी हैं। Watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.